बैग जिसमें हम लोग कपड़े रख सकते हैं बैग में, और हमें उसे वैक्यूम करना है। तो ऐसा मैं लेके आई हूँ प्रोडक्ट आपके लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं डिटेल देने वाली हूँ, उसका रिव्यू भी करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कैसे रखना है, कैसे लेके जाना है, वैक्यूम कैसे करना है, सब दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज आप चैनल को एंड तक देखिए। तो चलो मैं आपको फटाफट वो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। ये फाइनली हमारे पास आ गया है। ये है एयर बैग जो हम लोग चार धाम यात्रा जाते हैं या मानसरोवर यात्रा जाते हैं, कोई भी यात्रा, कहीं ट्रैकिंग के लिए, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो कपड़े ज्यादा रहते हैं और स्पेस कम रहती है। तो ये प्रोडक्ट खास उसके लिए है कि कपड़े ज्यादा है तो उसे कैसे कम में कन्वर्ट करके, मतलब वैक्यूम होता है ये बैग में, और फिर कम स्पेस में सारे कपड़े अपने बैग में आ जाते हैं, रह जाते हैं। तो आज मैं आपको ये प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, डिटेल देने वाली हूँ। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेरे पास चार रहे हैं, ये एक, दो, तीन, चार और पांच। ये पांच टोटल बैग हैं और उसके साथ उसका एक ये वैक्यूम करने का ये पंप है जिसमें हम लोग वैक्यूम करेंगे। आप देख सकते हो ये बैग काफी बड़ी है, इसमें मुझे ये बैग में एक पंप मिला है। और ये जो बैग है यहाँ पे इसका लॉक अनलॉक का ये सिस्टम है जहाँ से हम लोग बैग को वैक्यूम करेंगे। और ये जो है इसका कैप है, इसे हो जाने के बाद हम लोग कैप लगाएंगे। और ये साथ में एक टूल आता है, एक छोटा सा है ये जिप लॉक करने के लिए, जो मैं बता देती हूँ आपको कि ये कैसे लगाना है। तो ये ऐसे हमें लगा के ऐसे इजीली ये ऐसे बैग लॉक हो जाएगा, ये ऐसे लॉक करने का है सिस्टम। यस, ये ऐसे लग गया है, ये देख सकते हैं आप। और अभी इसको हम लोग ऐसे करके ये लॉक करेंगे इसको ऐसे, और फिर यहाँ से हम लोग को ऐसे करके थोड़ा ऐसे घुमा के इसे फिक्स करना है इसको, और फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके इसको हम लोग वैक्यूम करेंगे। और ये हो जाने के बाद ऐसे घुमा के रिमूव करेंगे, और फिर ये ऊपर ये जो एक कैप है उसको ऐसे ढक्कन की तरह हम लोग लगा दें। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा बैग प्रोटेक्टिव और वैक्यूम। और फिर हम लोग इसे रखेंगे अपनी बैग में, जो बैग में हमें इसे कपड़े को कैरी करना है। और ये पांचों में अलग अलग साइज दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज लिखी है सेंटीमीटर में। तो ये जो है साइज वाले 60x80 सेंटीमीटर वाले दो है यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये 50x60 वाले दो दिए हुए हैं, और एक बड़ा साइज है जो है 70x100 सेंटीमीटर, ये बड़ा साइज का है। तो टोटल यहाँ पे मुझे पांच दिए हैं, दो दो साइज के, दो अलग है और एक बड़ा साइज का है, इसमें मेरे पास पांच है। तो अभी मैं इसको ओपन करके बताने वाली हूँ कि इसमें कैसे कपड़े रहते हैं और ये कितना वैक्यूम होता है, ठीक है। तो अभी ये हम लोग जो छोटा साइज है वो हम लोग ये ओपन कर रहे हैं, और अभी देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसा वर्क करता है, और इसको हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं कि ये कैसा है। तो आप प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो है एक ये कैप जैसा है और ये बैग है, इसके साथ ही उसका क्लिप है, साथ उसका क्लिप भी है, और ये उसका कैप है। तो अभी मैं ओपन करती हूँ बैग। ओ वाओ, ये तो काफी बड़ा है, तो देख सकते हैं आप, ये काफी बड़ा है। यहाँ से हमें वैक्यूम करना है इसको। तो इसमें मैं अभी क्या करती हूँ, थोड़े से कपड़े रखती हूँ और हम लोग इसको देखते हैं कि ये कितना यूजफुल है। तो मेरे पास थोड़े यहाँ पे कपड़े हैं, फटाफट मैं रख देती हूँ।
करते हैं, काफी कपड़े आ चुके हैं, मैं इसको करती हूँ। ये धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारी एग निकलने में। देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं कपड़े स्टिच। जितने भी जो गैप्स हैं ना वो सारे हवा देख सकते हैं कितना था और ये कितना स्पेस ले लिया है, काफी है, इसमें से निकल चुकी है और ये हो गया है हमारा बराबर से। आप देख सकते हैं कि पूरा ये वैक्यूम हो गया, इतनी सी स्पेस हो गई है। अब पूरा मैंने और कपड़े नहीं डाले इसमें, मैंने थोड़े से ही डाले हैं, तो आप देख सकते हैं तो इतना गुस्सा लग रहा है ना मुझे। पर हाँ, ये जो जैसे बताया है कि ये वैक्यूम हो जाता है, डेफिनेटली ये बहुत ही काम का है। ये हो गया है वैसे ही वैक्यूम। अभी इसको हम लोग अनपैक भी करते हैं, हम लोग वापस इसमें से कपड़े भी निकालते हैं और देखते हैं कि हमारे कपड़े कैसे इसमें रहते हैं, तो वो भी हम करेंगे। ये देखो, ये मैंने जो टैग था ये ऊपर कैप रहता है, तो जैसे ही हम लोग ऐसे ओपन करेंगे तो ये जो अंदर हवा है वो जाने लगेगी और जो अंदर हवा है वो निकलने लगेगी। देखिए, ये कैप जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो वो जो अंदर की जो है एयर वो सारी आने लगेगी। ये देखिए, वापिस से कपड़े हमारे नॉर्मल हो चुके हैं, तो इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दस जोड़ी कपड़े तो आराम से, आठ से दस जोड़ी कपड़े तो मेरे एक बैग में आराम से आ ही जाएंगे। और ये आप देख रहे हो काफी बड़ी है साइज, इतनी बड़ी साइज है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। मैंने सारे बैग नहीं ओपन किए क्योंकि सब अलग अलग साइज के हैं, तो मैंने अभी ये 60 वाला ही खोला है, 60 वाला नहीं है, तो साइज के हिसाब से है बैग। तो आप वो साइज के हिसाब से कपड़े भर सकते हैं बैग में, वो हिसाब से जो और अलग अलग साइज के हैं तो वो हिसाब से आप जो साइज आपका प्रेफरेबल है आप उसमें रख सकते हैं और ट्रैवलिंग के लिए लेके जा सकते हैं। तो आप मेरे को चैनल पे बताइए आपको आज का ये मेरा ट्रैवलिंग एड बैग का वीडियो कैसा लगा है, और आप मुझे ये भी बताइए कमेंट में आपने ये यूज किया है तो कितना आपको फूल लगा है। और आप चैनल पे नए हैं
ताकि हमें पता चले आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप पसंद करते हैं देखना, तो आप मुझे वो भी बताइए।